आफ्टर विनिंग सैफ चैंपियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडियन फुटबॉल टीम? क्या है आगे का स्केड्यूल इंडियन फुटबॉल टीम का? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। यार हमने देखा कि इंडिया ने कितनी कन्विंसिंगली दो ट्रॉफीज जीती है इस महीने। फर्स्ट स्टार्ट्स विद इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जहाँ पे हमने लेबनान को हराया, एंड उसके बाद फिर हमने सैफ चैंपियनशिप जीती by beating Kuwait in the final. But what's next for Indian football team? Well, अगर बात करी जाए कि अगला कौन सा major tournament आ रहा है Indian team के लिए, कौन से matches आ रहे हैं, तो September से पहले Indian football team के कोई भी matches नहीं है। But September 7 से लेकर September 10 तक India will participate in King's Cup in Thailand. 49th King's Cup होगा ये, जिसमें India participate करेगी along the teams like थाईलैंड जो कि होस्ट है ऑफ कोर्स, लेबनान एंड इराक। बट इराक, लेबनान, इंडिया एंड थाईलैंड में से सबसे ज़्यादा अच्छा चांस किसका है किंग्स कप जीतने का? देखा जाए तो उसमें जो फेवरेट निकल के आ रही है टीम, ऑब्वियसली वो आ रही है निकल के इराक की नेशनल टीम, क्योंकि हम सबको पता है कि इराक की टीम इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम है एशिया के अंदर, एंड दे आर करंटली 7th इन एशिया। तो कहीं ना कहीं 47-50 टीम्स कंपीट करती हैं आपस में एशिया में, एंड अगर उसमें कोई टीम 7th रैंकिंग पे है एशिया की, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाता है वो इराकी टीम की इन एशिया। अभी अभी अगर मैं बात करूं उनकी, तो 2023 में ही उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी हराया है और कतर नेशनल टीम को भी हराया है, उसी कतर को जो इस बारी फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी, जो खेली थी सॉरी, एंड उन्हीं दोनों कंट्रीज को हराया जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था इस साल फीफा वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं इराक की टीम इज वेरी वेरी थ्रेटिंग एज कंपेयर टू लेबनान और कुवैत की अगर मैं बात करूं तो और ज़्यादा थ्रेटनिंग टीम है इराक की टीम, एंड उनकी जो रैंकिंग भी है वर्ल्ड रैंकिंग फीफा की जो है वो भी उनकी करंटली 70th रैंकिंग है। तो कहीं ना कहीं इराक इज अ सीरियस थ्रेट टू इंडिया इन किंग्स कप, क्योंकि किंग्स कप का जो फॉर्मेट है वो भी ऐसा ही है, चार टीम्स हैं, नॉकआउट मैचेस में पार्टिसिपेट करेंगी चारों टीम्स आपस में, पहले पहले मैचेस होंगे, जो सी टीम्स वो जीते पहले पहले मैचेस अपने वो सीधा पहुंच जाएंगी फाइनल में, एंड जो दो हारेंगी टीम्स वो कंपीट करेंगी थर्ड प्लेस मैच के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया को दो मैचेस कंफर्म मिलेंगे किंग्स कप में, एंड एक एक्सपोजर जो मिलेगा थाईलैंड में जाके वो एक अलग बात है। बट अगर अपने ओपोनेंट्स के ऊपर थोड़ी सी और नज़र डालें इराक के अलावा, तो लेबनान एक और ओपोनेंट है हमारी जो किंग्स कप खेलेगी, एंड लेबनान को तो अब हम इतना इस साल खेलेंगे, इसके बाद मर्डेका कप होगा किंग्स कप के बाद अक्टूबर में, उसमें भी हम लेबनान को खेलेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में खेला हमने लेबनान को, एंड हमने सैफ में भी खेला है। तो कहीं ना कहीं लेबनान एक हमारे पीछे से पड़ गई है टीम, बट यस इंडिया को अब हराना चाहिए हर बारी लेबनान को, क्योंकि एक आध दो बार आपने उनको देख लिया कि क्या उनकी वीकनेसेस है क्या उनकी स्ट्रेंथ्स है, बट यस अब हमें लेबनान को काफ़ी कन्विंसिंगली आना हराना चाहिए, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारी जो क्वालिटी है फुटबॉल की इस टाइम, जो प्लेयर्स की क्वालिटी है, इट्स फार फार अबव देन द प्लेयर्स ऑफ लेबनान। तो कहीं ना कहीं लेबनान भी एक ठीक है थोड़ी बहुत थ्रेटिंग टीम तो ऑफकोर्स है ही लेबनान, जो क्वालिटी है उनके पास भी, बट लेबनान के अलावा वहाँ पे होस्ट थाईलैंड भी होगी, एंड थाईलैंड को हमने हराया है रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो 2019 AFC एशिया कप में भी हमने उनको हराया था जब हमारे कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन थे। तो कहीं ना कहीं वो जो 4-1 की विक्ट्री थी हमारी थाईलैंड के अगेंस्ट उस एशिया कप में, वो एक काफ़ी एक बैक ऑफ द माइंड होगी हमारे इंडियन प्लेयर्स की कि हमने पहले भी थाईलैंड को हराया है, वो भी एक मेजर टूर्नामेंट में, एंड उसके बाद जब किंग्स कप हुआ था पिछली बार में उसमें भी हमने थाईलैंड को हराया था, वो भी थाईलैंड में ही जाके। तो रिसेंट अगर हिस्ट्री देखें इंडिया वर्सेस थाईलैंड की, तो हमने रिसेंट दोनों मैचेस में हमने थाईलैंड को हराया है, एंड थाईलैंड की रैंकिंग भी इतनी कुछ इंप्रेसिव नहीं है, 130-140 के बीच में उनकी रैंकिंग है, बट एज अ होम एडवांटेज अगर मैं काउंट करूं तो जरूर होम एडवांटेज होगा थाईलैंड की टीम के पास। बट अगर इंडियन टीम की अगर हम बात करें अब लास्ट में, क्योंकि इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है किंग्स कप में, तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी थोड़े से प्लेयर्स अभी आएंगे वापस जो अभी खेले नहीं है सैफ चैंपियनशिप में,
ड्यू टू सम और द अदर रीजंस, कुछ प्लेयर्स ने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेला सैफ चैंपियनशिप एंड कुछ इंजर्ड थे। तो देखा जाए तो ग्लेन मार्टिन्स वापस आ सकते हैं, ब्रेंडन फर्नांडिस वापस आएंगे, यासिर वापस आएगा, रोशन वापस आ सकते हैं, सुरेश सिंह वांगजाम वापस आ सकते हैं, आशीष राय आ सकता है एक और स्ट्राइक अगर आपको ऑप्शन चाहिए, तो शिवा शक्ति कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर दिस इंडियन टीम। बस उम्मीद यही है कि जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम किंग्स कप में जाएगी सितंबर में, एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स हो सकता है कि ड्यूरांड कप जो अगस्त से लेकर सितंबर तक चलेगा, सितंबर 3 तक, उसमें भी पार्टिसिपेट करने की होप्स है काफ़ी सारे प्लेयर्स को इनमें से जो हमारी अभी नेशनल टीम में थे। बट जो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, कहीं थोड़े रस्टी ना हो जाए, वो उसका डर है। बट आई थिंक कि 2 महीने के टाइम में अगर वो अपने आप को और प्रिपेयर करें किंग्स कप में, किंग्स कप के लिए, क्योंकि तीनों ही टीमें इंडिया के अलावा कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं कहीं ना कहीं, एंड जो आप कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे इंटरकॉन्टिनेंटल कप में एंड सैफ चैंपियनशिप में, उससे कहीं ऊपर दर्जे का आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा इन किंग्स कप। प्लस इस बार आपके पास कोई होम एडवांटेज भी नहीं होगा। बट लेट्स सी के इगोर स्टीमैच को एक आध दो हफ्ते का ही प्रिपरेशन कैंप मिलेगा इस बारी तो, क्योंकि ड्यूरांड कप भी खत्म हो रहा है 3 सितंबर को एंड 7 सितंबर से हमारा किंग्स कप शुरू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन नेशनल टीम के जो प्लेयर्स होंगे वो तो एक दो हफ्ते पहले ही जुड़ जाएंगे किंग्स कप से प्रिपरेशन के लिए। बट लेट्स सी कि क्या हम इराक को हरा पाएंगे, क्योंकि दे आर फेवरेट्स टू विन दिस किंग्स कप एडिशन। बट लेट्स सी कि इंडिया बाकी दोनों टीम्स को भी कैसे टैकल करती हैं। इट विल ऑल डिपेंड ऑन मेंटेलिटी अगेन कि हमारी प्लेयर्स की कितनी फॉर्म है अभी भी, क्योंकि 2 महीने आपको इतने मैचेस नहीं मिलने हैं अनलेस कि आप ड्यूरांड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। बट लेट्स सी कि हमारी इंडियन टीम कैसे परफॉर्म करती है आने वाले किंग्स कप में। अभी टाइम है, धीरे धीरे हम इस पर और भी प्रीव्यू करेंगे, और भी वीडियोज में लाता रहूंगा किंग्स कप पे जैसे ही और भी अपडेट्स हमारे को मिलती रहेंगी। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन,